कृपया कृपया शांति बनाए रखें। यह कभी भी इस तरह की परिपाटी नहीं रही है, आप शांति बनाए रखें। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा के इस दसम सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। वर्तमान सत्र में कुल 5 बैठकें निर्धारित है। इसमें मुख्यतः प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक, वित्तीय काल, गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे एवं अन्य औपचारिक कार्य होंगे। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र के स्वस्थ विकास में रोजगार, आवास, भोजन, उचित जीवन स्तर, शिक्षा तथा जीवन की अन्य आवश्यकताएं प्राप्त करने के मूलभूत अधिकार नागरिक समाज की अनिवार्य आधारशिला है। लोकतंत्र तभी चल सकता है जब जीवन चलाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध रहे और उनका संतुलित वितरण भी समाज में व्याप्त रहे। जिस हद तक रोजगार और शिक्षा आदि पाने के अवसरों में विषमता होगी, उसी हद तक समाज में लोकतंत्र निर्माण की क्षमता भी सीमित रहेगी। विधायिका का यही दायित्व तो है कि ऐसे विषमताओं को दूर करने हेतु विमर्श करे और सार्थक उपाय से सरकार को अवगत कराए, क्योंकि सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों और संसदीय परंपराओं का अधिकतम उपयोग ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। शोर और शक्ति दबाव से अपनी धारणाओं को, अपने विचारों को मनवाने का प्रयास करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होता है। संसदीय प्रणाली तभी सफल हो पाती है जब लोकतांत्रिक मूल्यों को कार्यान्वित करने वाले लोग एक दूसरे के दृष्टिकोण का आदर करें। असहिष्णुता में प्रतिशोध की भावना जागृत होती है। यदि सभी निर्णय बहुसंख्यक दल के आधार पर ही किए जाएं, अल्पसंख्यक दलों की भावनाओं को, इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा जाए, तो इससे लोकतंत्र निरर्थक हो जाता है। अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वस्थ परंपराओं का सृजन तथा विकास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। समाज में युवाओं को शिक्षित करना, रोजगार का सृजन करना और उन्हें संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना हमारी सबसे बड़ी जवाबदेही है। मेरा आप सबों से आग्रह है कि सत्र के दौरान लोक महत्व के विषयों पर विमर्श करें, अपना पक्ष रखें। लोकतंत्र में विचार विमर्श से ही किसी समस्या का हल निकलता है। मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में अधिक से अधिक अपनी उपस्थिति बनाकर हम राजहित में बेहतर कार्य कर सकेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सत्र के सफल संचालन में आप सभी माननीय सदस्यों का सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा। प्रभारी मंत्री वाणिज्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 को के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2023 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं। सभा सचिव। महोदय, मैं बिहार विधानसभा में उद्भूत तथा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्नलिखित विधेयकों को की एक विवरण पटल पर रखता हूं, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अधीन अनुमति प्रदान की गई है और इसकी सूचना सप्तदश बिहार विधानसभा के नवम सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण। नंबर एक,
विधेयक का नाम बिहार ईख आपूर्ति एवं खरीद का विनिमय संशोधन अधिनियम 2022 अनुमत की तिथि 1/8/2023 महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण क्रमांक 1 बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 अनुमत की तिथि 19/7/2023 नंबर 2 बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2023 21/7/2023 प्रभारी मंत्री वित्त विभाग अध्यक्ष महोदय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2023 एवं बिहार विनियोग संख्या 3 अधिनियम 2023 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वर्ष 2023-24 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में मैं द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित करता हूं। माननीय सदस्यगण कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। स्वर्गीय विनोद कुमार चौधरी बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री विनोद कुमार चौधरी का निधन दिनांक 16 जुलाई 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 68 वर्ष की थी। स्वर्गीय चौधरी दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2008 में बिहार विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय महेंद्र नारायण झा आजाद बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री महेंद्र नारायण झा आजाद का निधन दिनांक 28 जुलाई 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 91 वर्ष की थी। स्वर्गीय आजाद दरभंगा जिला के घनश्यामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 में एक एवं बहेड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 तथा 1990 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय विजय कुमार यादव बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री विजय कुमार यादव का निधन दिनांक 23 सितंबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 94 वर्ष की थी। स्वर्गीय यादव नालंदा जिला के बिहार शरीफ निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1967 एवं 1979 में बिहार विधानसभा के सदस्य एवं नालंदा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 1984 1991 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो लोकप्रिय व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय परवीना अमानुल्लाह बिहार विधानसभा की पूर्व सदस्य श्रीमती परवीन अमानुल्लाह का निधन दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 64 वर्ष की थी। स्वर्गीय अमनुल्लाह बेगूसराय जिला के साहेबपुर कमाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2010 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई थी। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रही थी। सामाजिक मुद्दों के प्रति वे संवेदनशील रहती थी। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को
दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय अनंत कुमार सत्यार्थी, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री अनंत कुमार सत्यार्थी का निधन दिनांक 3 अक्टूबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 65 वर्ष की थी। स्वर्गीय सत्यार्थी मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से नवंबर 2005 एवं मुंगेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2010 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मृदुभाषी एवं मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय राजीव नंदन, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री राजीव नंदन का निधन दिनांक 14 अक्टूबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 58 वर्ष की थी। स्वर्गीय नंदन गया जिला के गिरुआ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2015 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचन हुए थे। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय अर्जुन मंडल बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री अर्जुन मंडल का निधन दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 89 वर्ष की थी। स्वर्गीय मंडल जमुई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1995 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे मिलनसार और लोकप्रिय व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय रामधनी सिंह, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री रामधनी सिंह का निधन दिनांक 17 अक्टूबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 85 वर्ष की थी। स्वर्गीय सिंह रोहतास जिला के दिनारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1990, 95, 2000 और मार्च 2005 में तथा करगहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2010 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2008 में बिहार विधान परिषद के भी सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वो लोकप्रिय व्यक्ति थे के साथ साथ कर्मठ एवं कुशल राजनेता थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय विभूति कवि, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री विभूति कवि का निधन दिनांक 24 अक्टूबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 71 वर्ष की थी। स्वर्गीय कवि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1988 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब हम लोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं के शांति के लिए प्रार्थना करें। कृपया शांति बनाए रखें। ये शोक सभा आपने मनाया है और उनके आत्मा के शांति के लिए आप खड़े हैं। आप शांति बनाए रखें। यह कभी भी इस तरह की परिपाटी
मैं अपने तथा संपूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूंगा। अब सभा की बैठक मंगलवार दिनांक 7 नवंबर 2023 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।